الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباد المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان मेरे मोहतरम बुजुर्गों दीनी और ईमानी भाइयों अमर बिल मारूफ और नहीं आनिल मुनकर एक अहम फरीजा है। यह ऐसा फरीजा है कि दीन का इस्तेमाल और दीन की बका इससे वाबस्ता है। उम्मत-ए-मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाबस्तगी और ताल्लुक और उसका अमल जब तक इस बात पर रहेगा कि वो अमर बिल मारूफ और नहीं आने मुनकर करते रहेंगे तो खैर और फलाह और कामयाबी उनका मुकद्दर बनेगी। और जब जब वो इस फरीजे से अपने आप कोताही बरतने के इस फरीजे में और अपने दामन को बचाए के इस फरीजे की अदायगी से तो नाकामी उनका मुकद्दर बनी। इससे पहले कि हम इस पर आगे बढ़े ये बात जानना चाहिए कि मारूफ और मुनकर किसे कहते हैं और अमर बिल मारूफ और नहीं आनिल मुनकर किसे कहते हैं। चूंकि ये बुनियादी फरीजा है तो जब तक हम इसके मफहूम से माने से वाकिफ नहीं होंगे तो हम किस तरह समझेंगे। मारूफ हर उस काम को कहते हैं हर उस अमल को कहते हैं जो शरीयत में पसंदीदा हो शरीयत ने जिसके करने का हुक्म दिया और शरीयत में वो अमल बतलाया गया हो पसंदीदगी की निगाह से शरीयत ने उस अमल को देखा हो चाहे वो फर्ज हो वाजिब हो सुन्नत हो मुस्तहब हो ये सारी चीजें ये सारे अमल मारूफ हैं पसंदीदा है और मुनकर इसका उल्टा है। हर वो अमल जिस पर शरीयत ने नकीर की हो उससे बचने का हुक्म दिया गया शरीयत ने उससे रोका हो वो अमल मुनकर है। अमर बिल मारूफ और नहीं आनिल मुनकर का मतलब यह है कि अच्छे काम का हुक्म किया जाए नेकी का हुक्म किया जाए नेकी की तरगीब दी जाए और नहीं आनिल मुनकर का मतलब यह है कि बुराइयों से रोका जाए बुरे रास्तों से लोगों को बचाया जाए और सीधे रास्ते की सही रास्ते की रहनुमाई की जाए। मेरे मोहतरम भाइयों कुरान पाक में मुतअद्दिद आयात हैं जिसमें कहीं पर इस उम्मत की खुसूसियत के तौर पर बताया कहीं तौरात इंजील के हवाले से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत के तौर पर बताया और कहीं तरगीब दी गई जैसा कि दुआएं पढ़ी गई बल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउन इलल खैर वयअमुरून बिल मारूफ वयनहून अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम में से एक जमात एक उम्मत तुम लोगों में से ऐसी होनी चाहिए जो भलाइयों का हुक्म करे और बुराई
होंगे और जो लोग ये काम करेंगे, इस काम को लेकर चलेंगे, उनके बारे में उनको ये मुद्दा सुनाया कि उलाएकुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो, और लोगों के लिए तुम्हें बर्पा किया गया है, और तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम नेकियों का हुक्म करते हो, अच्छी बातों का हुक्म करते हो, अच्छी बातों की तलकीन करते हो और बुराइयों से रोकते हो, बुराइयों पर नकीन करते हो। युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर اولئك من الصالحين। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नेकियों का हुक्म करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, यही लोग हैं जो सालिहीन में से हैं, यही लोग हैं जो हकीकतन नेक हैं। इसी तरह कुरान पाक में मोमिनीन की सिफत बयान की गई, केवल मोमिनून और मोमिनात बाअदुहुम औलियाउ बाअद, के मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं, बनी हैं। या कुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, वो अच्छे कामों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। वल मुमिनून वल मुमिनात बाअदुहुम औलियाउ बाअद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर उलाइका सयरहमुहुल्लाह, यही लोग हैं जिन पर अन करीब अल्लाह की रहमत, जो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बनने वाले हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब एक जगह वस्फ बयान किया गया आपका, और ये फरमाया गया तौरात और इंजील के हवाले से कि तौरात में और इंजील में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सिफत बयान की गई वो यही थी कि अमरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, क्या अच्छी बातों का हुक्म करते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। मोमिनीन की सिफत है, नबियों की सिफत है, अल आमिरून बिल मारूफ व नाहून अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म करें, अच्छी बातों का हुक्म करें, अच्छे अमाल की रहनुमाई करें, सीधा रास्ता बतलाएं और बुरे रास्ते से लोगों को आगाह करें, उससे रोकें और बचाने की फिक्र करें। ये नबियों का काम भी है और इस उम्मत का काम भी है। जब तक हम इस फरीजे को अदा करते रहेंगे उस वक्त तक कामयाबी हमारा मुकद्दर बनती चली जाएगी, और अगर हमने इस फरीजे को छोड़ दिया तो नाकामियां हमारा नसीब बनेगी, हमारा मुकद्दर बनेगी। अहदीस में भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिह, अगर तुम में से कोई शख्स बुराई को देखे, अगर तुम्हारे सामने कोई बुरा अमल हो रहा हो, कोई बुराई हो रही हो, तो अगर तुम्हारे पास कुव्वत है, ताकत है, तुम अपनी कुव्वत बाजू के जरिए से उस अमल को रोक सकते हो, तो तुम पर जरूरी है कि तुम उस अमल को रोको। मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिह फइन लम यस्तति फबिलिसानिह, अगर तुम अपने कुव्वत बाजू के जरिए से, अपनी ताकत के जरिए से उसको नहीं रोक सकते उस अमल को, तो तुम अपनी जबान के जरिए से, अपने कलम के जरिए से उस अमल पर नकीर करो, उस बुराई बुराई को जो कर रहा है उसको बावर कराओ कि ये बुरा अमल है, और उसको उस शख्स को उस अमल से बचाने की फिक्र करो। ये दूसरा दर्जा। और तीसरा दर्जा ये अगर तुम इसकी भी इस्तेमाल नहीं रखते कि जबान से मना कर सको, तो फिर आखिरी दर्जा यह है कि तुम अपने दिल से उस अमल को बुरा समझो, दिली तौर पर तुम्हारे अंदर उस अमल की तय नापसंदीदगी हो,
तुम दिल से उस अमल को बुरा समझते हो, बुराई को बुरा समझते हो, ये आखिरी दर्जा है भला अली का और आपकी ईमान, ये आखिरी दर्जा है। एक हदीस में हुजूर पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया कि हर नबी को जब मबऊस किया गया इस दुनिया में तो कुछ लोग उस नबी के साथी थे, साथी हुआ करते हैं, और जो लोग उनकी इत्तिबा करते हैं, उस नबी की सुन्नत की पैरवी करते हैं, एक तबका होता है हवारियों का, असहाब का। उसके बाद कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो जो कहते हैं अपनी जबान से वो करते नहीं, और जो अमल वो कर रहे होते हैं वो ऐसा अमल होता है जिसका उनके नबी ने उन्हें हुक्म नहीं दिया होता है। आगे फरमाया कि फमन जाहदहु बियदिही फहुवा मुमिन, ऐसे लोगों से जो बुराई में मुब्तला है और जो अपने नबी की इत्तिबा नहीं कर रहे, उनसे जो शख्स अपने हाथ के जरिए से, अपनी कुव्वत बाजू के जरिए से उनसे जो जिहाद करे, फहुवा मुमिन, तो वो मोमिन है, मुसलमान है। गोया हदीस में उसके ईमान वाले होने की जमानत दे दी गई। और फमन जाहदहु बिलिसानिही फहुवा मुमिन, और जो शख्स ऐसे लोगों से अपनी जबान के जरिए से जिहाद करे वो भी मोमिन है। वमन जाहदहु बिकल्बिही फहुवा मुमिन, और इन लोगों से, ऐसे लोगों से जो बुराई में मुब्तला है, अपने नबी की इत्तिबा नहीं करते और अपने नबी के हुक्म को नहीं मानते, उनसे जो अपने दिल के जरिए से जिहाद करे यानी उनके इस अमल को बुरा समझे, वो भी मोमिन है। और उसके बाद फरमाया वलैसा वरा ज़ालिका हब्बतु खर्दलिन मिनल ईमान, इसके बाद ईमान का कोई दर्जा नहीं, ये ईमान का आखिरी दर्जा है कि हम बुराई को बुराई समझे, बुराई को बुरा अपने दिल में तसव्वुर करें। आज हम अपने माशरे का जायजा लें, अपने अपने गर्दोमेश को देखें कि हम हमारे अंदर कितनी बुराइयां ऐसी हैं कि हम इस आखिरी दर्जे तक भी नहीं पहुंचते, हम उसको अपने हाथ से क्या रोकेंगे जब हम उसको बुराई नहीं समझते, हम जबान से उस पर क्या तकीर करेंगे जब हम उसको दिल से बुराई नहीं समझते। कितनी बुराइयां हमारे माशरे में इस तरह के राज हैं कि हम उनको बुरा समझते ही नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, अमर बिल मारूफ और नहीं आनिल मुनकर दीन के फराइज में से अहम फरीजा है, और इस पर वाइदे भी आई है कि अगर इस उम्मत ने और लोगों ने इस फरीजे से किनारा कशी अख्तियार की, पहलू नहीं बरती, तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक वाकया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फला बस्ती को उलट दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर में अर्ज किया कि अल्लाह, उस बस्ती में तो फला शख्स, फला नेक बंदा भी रहता है और ऐसा नेक है कि एक पल के बराबर भी उसने तेरी बुराई नहीं की। अल्लाह ने फरमाया कि उस बस्ती को उस शख्स के साथ उलट दो, इसलिए कि जब उसके सामने मेरी नाफरमानी की जाती थी और उसके सामने जब कोई बुरा अमल किया जाता था, अल्लाह की हुर्मत को पामाल किया जाता था, तो उसकी माथे उसके माथे पर शिकन नहीं पड़ती थी, उसको बुरा नहीं लगता था। ये इतना सब दाखिल है कि इतना मुत्तकी शख्स, इतना परहेजगार शख्स जिसने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसने बुराई से रोका नहीं, बुरे कामों पर नकीर नहीं की, अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब में उन लोगों के साथ उस मुत्तकी और परहेजगार शख्स को भी मुब्तला फरमा दिया। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप से इसकी शुरुआत करें, अपने घर वालों से इसकी शुरुआत करें, इसलिए कि कुरान पाक में यह हुक्म भी दिया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ईमान वालों अपने को ही और अपने अहलोयाल को ही आग से बचाओ, आग से आपको भी बचना है, जहन्नम से बचने की फिक्र हमको खुद भी करना है और अपने अहलोयाल के लिए भी फिक्र करना है कि वो भी उस रास्ते पर न चले जो रास्ता जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमर बिल मारूफ और नहीं आने मुनकर के फरीजे को अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह।